हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज दीपावली का पर्व है और हम चित्रकूट आए हुए हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग कैसे दीपदान करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे पैदल चल के आते हैं और एक हफ्ते से लोग पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं और दिवाली तक यहाँ पे लोग रुके रहते हैं और यहाँ दीपदान करके जाते हैं। और इस तरह की ठंड में देखिए लोग जैकेट स्वेटर पहन के आते हैं, लेकिन लोग इस तरह की ठंड में माँ मंदाकिनी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद दीपदान करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं और लोगों का मेला दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं मित्रों कितनी भीड़ है आज। देख सकते हैं दोस्तों आज दिवाली का पर्व है और आज माँ मंदाकिनी में देखिए कितने श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। देख सकते हैं आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। दीपदान हो चुका है, माँ मंदाकिनी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देखिए घाटों में लोग अमा नहीं रहे हैं, इतने ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे ऊपर देखिए, देख सकते हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। आप देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया मंदिर सजा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों माँ मंदिर मंदाकिनी का सुंदर दृश्य। अभी हम नीचे चलेंगे और आपको नीचे के दर्शन भी करवाएंगे। ये देखिए, देख सकते हैं काफी श्रद्धालु लोग आ भी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस साइड का आपको नजारा दिखाते हैं, इधर देखिए कितनी भीड़ है। देखिए नावें चल रही हैं, लाइटिंग की गई नाव में बढ़िया। ये दोस्तों नीचे के लिए सीढ़ियां गई हैं, आइए चलते हैं नीचे और नीचे आपको माँ मंदाकिनी के दृश्य दिखाते हैं। जय श्री राम। भीड़ देखिए दोस्तों, आपके साथ ही खोया पाया के राम घाट पे आपका इंतजार कर रहे हैं। मन पार गया है। ये देखिए दोस्तों मोर पंख लेके आ रहे हैं और कल ये दिवाली खेलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आज कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही मेला पूरी रात चलता है। देख सकते हैं काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और आज माँ मंदाकिनी के यहाँ दीपदान करते हैं और यहीं पर स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं बगल में काफी लोग इस तरह की ठंड में स्नान भी कर रहे हैं। देख सकते हैं माँ मंदाकिनी किनारे, और देख सकते हैं इस पार और उस पार पूरी जगह आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। अभी आगे चलेंगे, देखेंगे अगले आगे। पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी रूप से लगा हुआ है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। प्रशासन बहुत टाइट है और लोगों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है और किसी भी तरह की
जरूरत हो यहाँ पहुँचाई जाती है। प्रशासन का काम बहुत ही काबिले तारीफ है। ये देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे बालिकाएं हैं, बनी हुई हैं, देखिए देख सकते हैं, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए लोगों को तिलक लगाती हैं और आदमी श्रद्धा से जो 10 20 50 देता है तो लोग ये लेती भी हैं। बोलो इसमें आ रहा है कि बोले नहीं बोलोगी, वीडियो जो बनाएगा वो बहुत पड़ेगा। हां वाह वाह, देख सकते हैं दोस्तों, छोटी छोटी लड़कियां हैं यहाँ पे और लोगों को तिलक लगा रही हैं और लोगों से पैसा मांग रही हैं। देखिए 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, जो भी लोगों की इच्छा है और लोग देते हैं, जिनकी इच्छा नहीं है तो नहीं देते हैं। देखिए चलते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए कामत ऊपर मदगंजन स्वामी का मंदिर है ऊपर, और लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और सुबह सुबह पानी भी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। कल सोमवार है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। फिलहाल अभी आप देखिए दीपदान का महोत्सव, चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाखों लोग आज जाते हैं यहाँ पे और दीप दान करते हैं। देखिए पूरा चित्रकूट सजाया गया है पूरा, ये देखिए यहाँ पे, देखिए दुकानें भी किनारे किनारे आपको लगी हुई मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे किनारे किनारे दुकानें भी लगी हुई है, जैसे आप कुछ लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। लाल तेल भी यहाँ पे मिलता है, रक्षा भी मिलता है, डमरू भी देखिए टंगे हुए हैं। दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, दुकानों में खरीदारी करते हैं और अपने घर सामान ले जाते हैं, बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए। देखिए खिलौने भी हैं, गदे भी हैं, देखिए गदा भी है, बस चूड़िया उड़िया भी बिकती हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए पीतल का सामान भी मिलता है, ये देखिए देख सकते हैं, माले भी मिलते हैं, माला वाला भी है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों दुकानें किस तरह सजाई गई हैं, और देखिए कलरफुल आपको बैग भी यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। देखिए छोटे छोटे लकड़ियों के खिलौने यहाँ पे चित्रकूट में बनाए जाते हैं, देखिए बहुत अच्छे अच्छे, देखिए गुड्डी गुड्डा भी यहाँ पे रखे हुए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए अशोक स्तंभ यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और आती ही जा रही है, आती ही जा रही है लोग। ये देखिए, अरे यार, हेलो, बड़का को ग्राफिक प्रोहरी मिली, जहाँ से तुम आराम करवाए थे वहीं पर पुनः आ जाओ, मैं यहाँ करके बैठा हूँ। आज भूत हो Thank you.
ये देख सकते हैं दोस्तों, लोग यहाँ पे दीप दान कर रहे हैं। ये देखिए घाट में मंदाकिनी किनारे लोग दीपों को दान कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, मां मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। देखिए देखिए देख सकते हैं, इस तरह की ठंड में लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। मां मंदाकिनी का सुंदर दृश्य। देखिए इस तरह की ठंड में लोग कैसे नहा रहे हैं डुबकी लगा लगा के। दीपें यहाँ पे प्रज्वलित की जा रही हैं, दीप चलाए जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए माता राम यहाँ पे दीप जला रही हैं। ये लोग कितना दीप जला रहे हैं, देखिए देख सकते हैं आप। सारे दीप यहाँ पे देखिए कितने सारे दीप यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, भैया जला रहे हैं, सब में तेल डाल रहे हैं, अभी सबको जलाया जाएगा। देखिए डुबकी भी लगा रहे हैं इस तरह की ठंड में। देखिए दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है वहाँ मंदाकिनी का। ये देखिए आप अपने साथी को फोन कर लें, फर्स्ट राज आपके साथी है, आप अपने साथी को फोन करा लें। ये कौन सा है मोहन लाल यादव प्रजापति। देखिए दोस्तों लोग स्नान कर रहे हैं मंदाकिनी के किनारे किनारे, देख सकते हैं। ये देखिए लोग दुकान भी लगाए हुए हैं, दिए बेच रहे हैं। देखिए ये देखिए देवियां बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो ला सकें और चित्रकूट के दर्शन करवा सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।